वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। एंड मुझे पता नहीं मेरे दिमाग क्या हो गया, मेरे को पता पान चला कैसी आपने कैसे सलाम वालेकुम भी तूने ऐसे किया, मेरी ब्रेक भी की ऐसे बच गया मैं थोड़ी देर। मैं कैसे बोलती थी? अस्सलाम वालेकुम गाइस। नहीं, हाँ नमस्ते श्रीकाल, सलाम वालेकुम ऐसे बोलती थी मैं, पर मैंने हाँ कुछ आज रुकी बीच में एक बीच मिनट में पे, पता रुकी नहीं हुई क्यों क्या रुकी थी रहा वो हूँ। ना। सो वीडियो का टाइटल है शिया भाई पाकिस्तान बॉर्डर पे पहुंच गए हैं, बॉर्डर पार कर लिया उन्होंने, ये लाइव बता रहे हैं यहाँ पे। सो सेम में वो बॉर्डर पे पहुंच गए हैं क्योंकि हम भी बहुत टाइम के बाद ये चीज उनकी लाइव देखने लगे। हम तो बाकी सुन रहे थे नजम वगैरह, तो सो देखते देखते हैं हैं। क्या इस वीडियो में कहाँ तक पहुंचे हैं, क्या सफर हुआ, क्योंकि टाइटल में तो बड़ा कुछ बताया हुआ है, पर देखते हैं इस वीडियो को कि और क्या उससे कह रहा पहले है। गाइज, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें हाँ, और फटाफट किसी से। मौलाना की ये वीडियो होने वाली है, तो इसको ओके सुनते हैं फिर करते हैं और बाकी बात यस। डिस्कस। अभी 3-4 रोज पहले मैंने देखा कि शिहाब नामी ये नौजवान गोधरा में था और बता रहा था कि इसे अभी कई रोज जो है वो राजस्थान तक का सफर तय करने में लगेंगे, और तरह तरह की अफवाहें भी आने लगी। वो शिहाब नामी नौजवान कह रहा था कि मैं अभी गोधरा में हूँ और मुझे तकरीबन 5 दिन जो है वो राजस्थान तक पहुँचने में लग जाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है, कोई कह रहा है कि शिहाब भाई पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो इनका इस्तकबाल करने के लिए बॉर्डर पे पहुँचे, कोई कह रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी ने शिहाब भाई का जो है इस्तकबाल किया, वेलकम किया, स्वागत किया। तरह तरह की अफवाहें जो है वो शिहाब नामी शख्स के नौजवान के नाम से सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि पैदल हज का सफ़र करना जायज़ नहीं है, तो कुछ लोग जो है वो पैदल हज के सफ़र करने की फजीलतें भी बयान कर रहे हैं। मेरे पास भी काफ़ी सारे फ़ोन आए, अहबाब ने कहा कि सैयद साहब इसके ताल्लुक से हमें बताएं कि पैदल हज का सफ़र करना जायज़ है या नाजायज़ है, या शिहाब नामी नौजवान से पहले कोई और भी पैदल हज का सफ़र करने के लिए गया या नहीं गया। कुरान और हदीस की रोशनी में ये वाज़े फरमाएं कि पैदल हज का सफ़र करना जायज़ है या नाजायज़ है। तो मैंने भी फेसबुक पर दो पोस्ट देखी, एक हदीस ये थी कि हज़रत उकबा बिन आमिर रदी अल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से हदीस वायरल हो रही है। हदीस बिल्कुल सही है, बुखारी शरीफ की हदीस है। हज़रत उकबा बिन आमिर रदी अल्लाहु अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि मेरी बहन ने ये नज़र मानी कि मैं पैदल चलकर हज अदा करूंगी और मुझे हुक्म दिया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे गोहरबार में हाजिर हूँ और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये दरियाफ्त करूँ, इसके ताल्लुक से मालूम करूं कि मेरी बहन ने ये नज़र मानी है कि वो पैदल चलकर हज अदा करे। तो मैं जब सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, हजरत उकबा बिन आमिर रदी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैंने सरकार की बारगाह में अरीजा रखा, तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो पैदल सफर करे और सवार हो जाए। मतलब ये कि जब तक वो पैदल चलने की हिम्मत और ताकत रखती हैं तब तक वो पैदल सफ़र करें, और जब पैदल सफ़र करने में दिक्कत हो, परेशानियां हो, कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो वो फिर सवार होकर सफ़र करें। यही रिवायत इब्ने सुनन नसाई में भी है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हज़रत आमिर बिन उकबा बिन आमिर रदी अल्लाहु अन्हु जो है वो सरकार की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी बहन ने ये नज़र मानी है कि मैं पैदल चलकर हज का हज बैतुल्ला की सआदत से सरफराज होंगी। मेरी बहन जो है वो पैदल हज करने की मन्नत मान चुकी है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और उसने मुझे आपकी बारगाह में भेजा और फरमाया कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इसके ताल्लुक से मालूम कीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर वो पैदल हज का सफ़र करने की ताकत रखती हैं, पैदल चलकर हज का सफ़र कर सकती हैं, तो वो पैदल चलकर अदा करें, और अगर पैदल चलने की ताकत नहीं है तो जितना पैदल चल सकती हैं पैदल चलें, उसके बाद वो सवार हो जाएं और कुर्बानी करें यानी दम दें। दूसरी हदीस हज़रत अनस रदी अल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, ये भी सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। हज़रत अनस रदी अल्लाहु अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा
कि दो नौजवान उसे उठाए हुए हैं और वो चल रहा है दोनों के सहारे से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसका क्या हाल है, तो उसके दोनों बेटों ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये हमारा वालिद है, हम इसे उठाकर इसे सहारा देकर चला रहे हैं। सरकार ने फरमाया ऐसा क्यों? उन दोनों ने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे वालिद ने ये नजर मानी कि मैं पैदल चलकर हज का सफर अदा करूंगा, पैदल चलकर मैं मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचूंगा और हज बैतुल्लाह की सआदतों से मालामाल होऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब ये शख्स कमज़ोर है, पैदल चलने की ताकत नहीं रखता, तो इसने ये नज़र मानी अल्लाह इसके पैदल चलने से बेनियाज है, इससे कहो कि ये सवार हो जाए और कुर्बानी करे यानी दम दे। अल्लाहु अकबर। हजरात, ये बात वाज़ह है, इन दोनों हदीसों से ये मालूम होता है कि पहली जो थी वो औरत थी, वो भी पैदल चलने की ताकत नहीं रखती थी। दूसरा शख्स जो है वो ज़यीफ़ है, कमज़ोर है, लागर है, वो भी पैदल सफ़र करने की ताकत नहीं रखता था। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोनों से फरमाया कि सवार हो जाएं और दम दें यानी कुर्बानी अदा करें। तो हरगिज़ हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई पैदल चलने की हिम्मत और ताकत रखता हो, पैदल चलकर वो मक्कतुल मुकर्रमा तक पहुंच सकता हो या मदीना मुनव्वरा तक का सफ़र वो पैदल तय कर सकता हो, रास्ता पुर अमन हो और तोशे का इंतज़ाम हो, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी उसे रास्ते में ना हो, तो बिलाशुबा जायज़ है कि पैदल चलकर हज का सफ़र अदा करें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर रास्ता सही है, पैदल चलने में कोई दिक्कत नहीं है, रास्ते में लोग उसके खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं, हज का सफ़र है, मुकद्दस सफ़र है, बैतुल्लाह के हज के लिए जा रहा है, तो मुसाफा करना, फूल के हार पहनाना, नजराना पेश करना, खिदमत करना और उसका इस्तकबाल करना जब वो हज के सफ़र पर जा रहा है। भई सरकार फरमाते हैं नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की जो नियत है वो उसके अमल से बेहतर है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी नियत जो थी वो फेमस होने की थी, इसकी नियत जो थी वो मशहूर होने की थी, शोहरत पाने की थी। भई गैब का इल्म तो अल्लाह ही रखता है, आलिमुल गैब बिशहादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, तो अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेहतर जानता है कि उसकी नियत क्या है। लेकिन एक मोमिन के लिए ये ज़रूरी है कि वो दूसरे मुसलमान के लिए बदगुमानी करने से बचे। खुलासा कलाम ये है कि लोग जो तरह तरह से इस शख्स पर कीचड़ उछाल रहे हैं, बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हैं, तो उन लोगों से भी मुअद्दिबाना गुजारिश है कि अच्छी सोच रखें और दूसरे लोगों के बारे में अच्छा सोचें। अगर उसकी नियत अच्छी है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे इसका अजर अता फरमाएगा, और अगर खुदा न करे उसकी नियत कोई और है तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेहतर जानने वाले हैं, तो अल्लाह उसके हाल पर करम फरमाए और अल्लाह जो है हम सबको भी दूसरे मुसलमानों के बारे में अच्छी सोच रखने की तौफीक अता फरमाए। लिहाजा जो लोग तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं उनसे मुअद्दिबाना गुजारिश है कि वह अफवाहें ना फैलाएं। शहाब भाई अभी गालिबन राजस्थान तक भी नहीं पहुंचे हैं और लोग जो है उन्हें पाकिस्तान कोई कह रहा है कहीं पर, कोई कह रहा कहीं पर, कोई कह रहा कहीं पर, तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लिहाजा शहाब भाई के बारे में जो है, अगर इंसान अच्छी नीयत रखता है, अच्छी सोच रखता है, तो दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बंदे के सफ़र को आसान फरमाए और इसके हज को भी अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। तो गाइस ये थी वीडियो एंड ये पता नहीं कौन बुलाना था, आपको नाम पता है इनका? नाम नहीं पता बुलाना, यहाँ बताया भी नहीं गया, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बताया है ना, एकदम टोटली मतलब एक बंदे को सेटिस्फाई कर रही है। सही बात है ना, पूरी एक एक बात इन्होंने सेटिस्फाई कर दी कि क्या बोलना चाहिए किसी को। और मतलब सच्ची में लोग इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं कि वो यहाँ पहुंचे हैं, वहाँ पहुंचे हैं ना, अभी वो पाकिस्तान इतनी दूर है, कहाँ पहुंचे? अभी राजस्थान भी वो नहीं पहुंचे हैं ठीक तरह वहाँ से। देन देखते हैं आगे की इनकी जर्नी में ऐसा। और उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि कई लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ फेमस होने के लिए कर रहे हैं या ये फिर ऐसे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो अल्लाह जानते हैं कि वो फेमस होने के लिए और किसी को फेमस करना या नहीं करना वो अल्लाह पे डिपेंड करता है कि उसको देगा ना, क्योंकि बहुत से लोग मेहनत करते हैं हमारी तरह
पर फिर भी कामयाब नहीं हो पाते हैं, जो उन्होंने मुकाम या ड्रीम देखे होते वो पूरे नहीं हो पाते। ये नहीं कि अकेले एक ही बंदा, मैंने देखा बहुत लोग कर रहे थे, जी हमें दिखते नहीं है जी ना। फेमस जी तो 10 में से 1, 10 में से क्या, हजारों में से, लाखों में से एक ही हाँ, होएगा ना, करोड़ों में से, और उन्होंने पर मैंने तो सभी सोचा, करते हैं। हाँ उन्होंने सपने कोई दिमाग बाद में बोल गया अभी तुमसे। तो ये थी वीडियो, और अब वेट यही कि कब वो पाकिस्तान बॉर्डर पहुंचेंगे। अब लास्ट वीडियो में भी कहते आ रहा हूँ कि कैसे उनका वहां पे स्वागत होता है, अभी तक वहां की तो कोई वीडियो नहीं आई है कि वहां पे क्या प्रेपरेशन हो रही है या कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो तभी होएगा जब वो पास में पहुंचेंगे, जब वो पंजाब में पहुंचेंगे तभी होएगी, कुछ तैयारी होनी होगी। तो बाकी यही था, होप सबको ये वीडियो पसंद आई, पूरा का पूरा क्लियर हो गया हो, तो जो फेक अफवाह पे यकीन ना करें। तो बाकी तो यस ये था वीडियो में, सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट बाय वीडियो में। बाय।